अब हम आ चुके हैं सोनू भाई के साथ। बोला चलो यार थोड़ा पार्टी बट एट लास्ट पार्टी वार्टी करके मैं बोला चलो सोनू भाई घर चलते हैं। पंकज जी जो यहाँ पर मक्खन लगाते हुए मिलन समारोह भी चल रहा है, कर रखा हूँ। माइलेज आप देखो भाई साहब, 22.1 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज दे रही है टाटा सफारी। यार हाईवे पे तुम क्या हो। देखो 37.4 किलोमीटर ड्राइव के बाद अभी गाड़ी की जो एवरेज फ्यूल है। गाइस कभी भी गाड़ी का काम कराओ ना तो 5-6 घंटा टाइम बिल्कुल ले करके आना, चाहे जैसा मर्जी काम हो। और ये डैम्पिंग आप देख सकते हैं, डैम्पिंग कितनी सॉलिड हुई है। निकू भाई से अब मेरे को टाइम मिला तसल्ली में बात करने का। उस समय से इतनी गाड़ियां थी, इतने बिजी भी चल रहे थे, सौरभ जोशी से लेकर के अरुण कुमार से लेकर के हर मतलब बंदा अपनी गाड़ी में कोई भी दिक्कत होती यहीं ले आता। मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगाया और डैम्पिंग बहुत अल्टीमेट। Hey guys, what's up? नमस्कार, केम छो, आदाब से शकल वनक्कम। स्वागत करते हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्टर मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सबका अपना दोस्त, और साथ में है मनीषा, साथ में है जीजू। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने, टें 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 पार्टी करने। तो अभी पार्टी होगी और अभी पार्टी हम लोग करने जा रहे हैं। समझ रहे हो, पार्टी KFC में जा रहे अभी पार्टी। तो पार्टी इसके लिए हो रही है, हमारी खूबसूरत सी कार रिमोट वाला। चलो भाई निकलते हैं। अभी जा रहा था पार्टी के लिए लेकिन फिर मैंने सोचा कि बीच में अपना प्लॉट पे काम भी देख लो कि किस हद तक काम वगैरह हो रहा है जो भी है। तो मैं प्लॉट पे आ चुका हूँ, फिलहाल देखते हैं। तो यहाँ पे अभी तराइयाँ हो रही है। आज ये वाले बीम का काम हुआ, इसका उसका, बस ये चार बीम ढला हुआ है। क्या कह रही है? नहीं नहीं बहुत बड़ा है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और क्या सुंदर नजारा पहाड़ियों का। लेकिन ये पहाड़ी नहीं है, ये प्लेन ही है बिल्कुल, हमारा अपना रोड। और साथ में आगे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की ये बस, मतलब यहाँ से अगर आपको कश्मीर कटरा वगैरह जाना हो तो आपको बस आराम से मिल जाती है। मनीषा यहाँ पे बैठी हुई है। यार सच में भाई जम्मू कश्मीर का ही तो मैं। हाँ जाती है बस तो हरिद्वार से कटरा सीधे, हरिद्वार से जम्मू। अब हम आ चुके हैं सोनू भाई के साथ। बोला चलो यार थोड़ा पार्टी थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं। तो मनीषा भी यहाँ पे, बाकी आए हुए हैं जग्गी सिटी सेंटर, सोचिए पार्टी वार्टी कर लेते हैं। इसको बाबू बहुत अच्छा लगता है। KFC ये देखो साथ में ये भी घूम रही है। कहाँ घूम रही हो जी तुम? जाओ गाड़ी में बैठो, आप ही ये गाड़ी पूछिए। इधर से इधर। वेल बॉयज एंड गर्ल्स, एडम संदीप, अभी हम लोग आए हुए हैं सोनू भाई के घर पहली बार। अभी इतने दिन से आना जाना सोच रहे थे कि अब आएंगे लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट एट लास्ट पार्टी वार्टी करके मैं बोला चलो सोनू भाई घर चलते हैं। खुद ही बोले कि नहीं यार घर जाने बिना जाने नहीं दूंगा। यहाँ देखिए इन लोगों का लकी था, इसलिए हम लोग आ जाए क्योंकि मैं तो साथ। और मैं तो बहुत बड़ा लकी अपने आप को मानता हूँ जो सचिन। और गाइस पता है क्या, ये इनकी वाइफ है, ये हमारी वीडियो कितने दिनों से देख रही है, सालों से आई थिंक देख रही है। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तो हो ही गए होंगे। 2-2.5 साल से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, 2 साल हो गया हमारा तो। हाँ तो चलो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच गाइस। अब चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। मनीषा का कल अर्ली मॉर्निंग पेपर भी है, पार्टी वार्टी तो चलती रहेगी लेकिन पेपर दोबारा, मैं नहीं चाहता दोबारा चले वही पेपर। तो सफली वाला सिस्टम नया अब निकालते हैं ये बेचारी। चलो बाकी शेक बहुत टेस्टी था, अब निकलते हैं हम लोग। रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था उस टाइम से। क्या पता है ये पैसा बढ़ा है हमारा। हाँ, शगुन होता है भाई। और ऊपर से पंडित जी क्यों है, हाथ से मिला तो शगुन होगा ही हमारे लिए। दे रहे हैं तो बरसाती हमारे में देते हैं सब। चलो पंकज जी जो यहाँ पर मक्खन लगाते हुए, परांठा नहीं है कि मक्खन लगा रहे हो। चलो और क्या, ठीक है भाभी नमस्ते, चलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर इन लोगों का मिलन समारोह भी चल रहा है। तो गाइस अब हम लोग मनीषा का तो अभी पेपर है, अभी सुबह के लगभग 8:30-7:30 हो रहा है। तो मुझे अभी जाना भी है, और कहाँ जा रहे हैं क्या काम है ये सब चीज़ आपको दिखाएंगे ब्लॉग में। तो फिलहाल निकलते हैं, अभी मनीषा आज फिर रहेगी लेकिन आ जाएंगे शाम तक। तो चलते हैं बिना देरी के, नहीं तो फिर ट्रैफिक वगैरह में फंस जाएंगे, काफ़ी थोड़ा दूर जाना है। तो बस बने रहिए आप लोग, धीरे धीरे अपना निकल जाएंगे हम।
है ना, एक बार फिक्स रहिए सोने जा रहा है। बताओ यार, उठ के सोने चल जाती है ये लड़की। ठीक है गाइस, दिल्ली के लिए तो निकल चुके हैं। आपको एक बहुत मस्त चीज दिखा रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में, जो कि आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, गाड़ी को मैंने क्रूज मोड पे सेट कर दिया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे एक्सेलरेटर पे पैर वैर नहीं रखना है, गाड़ी अपने आप इसी स्पीड पे चलेगी कंटिन्यूसली। और मैं भी यहाँ की लिमिट 90 है, इसीलिए मैं 90 के थोड़ा पहले ही अपने क्रूज को सेट कर रखा हूँ। माइलेज आप देखो भाई साहब, 22.1 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज दे रही है। टाटा सफारी यार, हाईवे पे तुम क्या हो, मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा टाटा सफारी ऐसी माइलेज दे सकती है भाई साहब। खतरा ही जहर, खतरनाक। चलो अभी वैसे मैंने 4.7 किलोमीटर पहले ही रीसेट करा था, तो ये 4-5 किलोमीटर रही, बाकी लंबा भी चला के आपको दिखाएंगे। आई होप कि आपको पसंद आए। गाड़ी चल चुकी है लगभग 37 किलोमीटर, 37 point something, 3 या 4। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी इसकी माइलेज क्या है। देखो 37.4 किलोमीटर ड्राइव के बाद अभी गाड़ी की जो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी है वो 21.1 की आ रही है। अरे भाई साहब क्या गजब है, मैंने सोचा भी नहीं था कि यार सफारी जैसी गाड़ी, इतनी हैवी गाड़ी 21.1, 21 की 20 भी चलो, 19 भी चलो यार बहुत होता है, इतनी माइलेज देगी। चलो वैसे हाईवे है तो काफ़ी अच्छा लगा, वो भी ऑटोमेटिक कार में, मैनुअल में तो चलो फिर भी समझ में आता है कि हाँ उसकी थोड़ी माइलेज हो जाती है। लेकिन फाइनली टाटा बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। टैक्स पे काफ़ी टाइम लग गया और अभी यहाँ देखो कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। कैसे, मतलब ये ट्रक वाले दूध वाला है भाई, आधा से ज्यादा दूध तो पैकेट गिर गया। चलो और गाइस अभी मैं चला चुका हूँ गाड़ी को लगभग 91.5 किलोमीटर। टोल टैक्स पे दो जगह मुझे रुकना पड़ गया तो माइलेज थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी 19.2 की माइलेज यार अल्टीमेट। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली आने में हम लोग को लगभग 3-3.5 घंटा और बाकी ट्रैफिक 1 घंटा है ना, तो 4.5 घंटा लग गया। लेकिन मैंने सोचा दिल्ली आए हैं, गाड़ी का थोड़ा काम वाम करवाते हैं, तो अब वो वाला पार्ट आपको गाड़ी का काम दिखेगा। सारा गाड़ी में मैंने दे दिया है कि गाड़ी में अपना काम होता रहे, और बाकी मैं आया हूँ आप लोगों को बता देता हूँ निक्कू कार डेकोर पे। तो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी थी, मुझे काम भी अच्छा लग रहा था, फिर मैंने बोला कि चलो यार एक बार हम भी आजमाते हैं, बाकी जैसा काम होगा आपको दिखाएंगे। चलते हैं पहले बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं निक्कू कार डेकोर पे, और अभी मैंने यहाँ ये जो हेडलाइट है इसको चेंज करवा रहा हूँ, इसको LED में करवा रहा हूँ, क्योंकि ये हैलोजन फिल्म था, बाकी बहुत अच्छा काम हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि चलो इसको करवा लेते हैं, और आगे का जो भी होगा वो आप लोग को दिखेगा, लास्ट में दिखाऊंगा। तो गाइस ये आ चुका है हम लोग का गाड़ी, एक्चुअली मैं पार्किंग में लगा दी क्योंकि वहाँ पर रोड पर बहुत भीड़ थी। बाकी क्या क्या एक्सेसरीज लग रही हैं ये आप लोगों को अभी तो गाड़ी आप देख सकते हो एक बार इस तरीके से है, लेकिन जब ये पूरा लग जाएगा तब आपको एक लुक दिखाएंगे गाड़ी का, तब और भी अल्टीमेट लगेगा। बाकी ये आप देख लो कितना मस्त, अभी ये फुटरेस्ट लगेगा नीचे, यहाँ पे चढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। दूसरा ये विंड वाइज़र लगेगा एक, ठीक है विंड वाइज़र। बाकी तीसरा जो है ये वाला लगेगा। गाइस कभी भी गाड़ी का काम कराओ ना तो 5-6 घंटा टाइम बिल्कुल ले करके आना, चाहे जैसा मर्जी काम हो। और मैं तो बोल रहा हूँ भाई आराम से करो काम, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको काम दिखाता हूँ पहले क्या क्या हो रहा है। तो पहले तो आप ये देख रहे होंगे क्रोम फिनिश वाला, ये वाला मैंने लगवाया। और दूसरी चीज़ क्या क्या है, ये सारी हेडलाइट्स मैंने चेंज करवाई, वाइट लाइट करवा दी, ठीक है। और ये डैम्पिंग आप देख सकते हैं, डैम्पिंग कितनी सॉलिड हुई है, बिल्कुल देखो देख रहा हो आवाज़। और ऊपर से अंदर का भी, तो अभी ये देख के तो दिल टूट जाएगा, स्टीयरिंग का ये मैंने लगवा लिया एक, बाकी बहुत सारा काम हो गया। और ऊपर नीचे ये वाला हमने मैट, मैंने बोला भाई मैट लगाओ, 70 से मेरा काम नहीं चल रहा, अच्छा नहीं आ रहा। ये फिनिशिंग जो आती है ना वो अलग आती है, ये वाली जो है ना ये देखो ये पूरी फिट ही नहीं होती, ये हाथ से भी अगर लगाओ ये फिट नहीं होती, बेकार सी लग रही है मेरे को। चलो कोई बात नहीं है, बाकी अब यहाँ का काम लगभग हो चुका है, और एक थोड़ा बहुत अब वो लाइट वाइट का काम है, उसके बाद से चलते हैं। कोई भी तरह की वायरिंग कटिंग नहीं हुई है गाइस। गाइस अभी तक काम जो हुआ है गाड़ी में बहुत बारीकी से हुआ है, मतलब बहुत एक एक चीज़ को टेक मतलब केयर करके किया गया। मतलब गाड़ी में काम होता है ना तो इंसान का दिल फट जाता है, लेकिन अगर अच्छे से होता है ना तो बहुत मज़ा आता है। तो काम अभी मैं देख रहा हूँ
मतलब मेरे को लग रहा 7-8 घंटे हो गए, बहुत बारीकी सब कुछ हो रहा है अभी तक। मतलब देखो डैम्पिंग लाइट वगैरह सब कुछ कैसे ही सब लग रहा है, और जो डैम्पिंग की आवाज़ है ना गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ फील करना। पहले ढप 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 कर रहा था, अब ठीक हो गया। तो अभी निकू भाई को बुलाते हैं, फिर उनके साथ बात बात करेंगे और थैंक यू भी कह देंगे, इतना अच्छा काम करवाया उन्होंने। दोस्तों अभी मेरी गाड़ी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है निकू भाई से। अब मेरे को टाइम मिला तसल्ली में बात करने का। उस समय से इतनी गाड़ियां थी, इतने बिजी भी चल रहे थे, मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहा था इनके साथ। मैंने बोला क्या चलो करते हैं भाई, मतलब मैं क्या सौरभ भाई से लेकर के, सौरभ जोशी से लेकर के, अरुण कुमार से लेकर के, हर मतलब बंदा अपनी गाड़ी में कोई भी दिक्कत होती यहीं ले आता। मैंने बोला यार मैं क्यों नहीं जाऊँ, और मैं वाकई में यहाँ पे आके इम्प्रेस हुआ, काफ़ी अच्छी सर्विस हुई, सब कुछ हुआ। और ये मेरे को कोई प्रमोशन ही नहीं मिला, बिल मैंने भी भरे हैं अच्छे खासे भरे हुए, मतलब 40-45 हज़ार रुपये मेरे लगे हैं। आज क्या क्या चीज़ में लगा हुआ मैं सब आपको बताऊँगा, और डिटेल में सब कुछ सारी प्राइसिंग बताऊँगा क्या क्या चीज़ें। हाँ मार्केट में आपको सेकंड कॉपी भी मिल सकता है जो डुप्लीकेट होंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो चीज़ 3,000 की मिल जाती, आपने 5,000 में क्यों लगवाया। तो आपके पास दोनों वैरायटी है, आप कहोगे यहाँ पे आके मुझे भैया 1500 वाला ही दे दो, 5,000 वाला मत दो, तो आप 1500 वाला ही लगवा लेना। लेकिन वो अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, हमने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगाया। और डैम्पिंग बहुत अल्टीमेट, मतलब 300 में मेरी जो डैम्पिंग हुई थी उससे तो खतरनाक मेरे को डैम्पिंग फील हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गाड़ी को अभी तक आप लोगों के सामने रिव्यू नहीं किया, रिव्यू करूँगा। लेकिन निकू भाई को अगेन थैंक्स, 5 मिनट भी दिए लेकिन दिए, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाड़ी में क्या क्या काम हुआ मैं सुबह बताऊंगा, अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, घर पहुँच के बताऊँगा। मुझे ड्राइव भी करना है 250 किलोमीटर। थैंक यू निकू भाई, बहुत अच्छा लगा।